ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लुक इज सर अनलिमिटेड स्टडीज ऑन चलिए तो हम कर रहे थे के 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व एक बार फिर से हम लोग आपके साथ में है आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन है एट क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट सिक्स हेड्स सो गाइज वी हैव गिवन एट क्वाइंस हेयर आउट ऑफ एट क्वाइंस वी नीड टू फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट सिक्स हेड्स तो देखिए क्योंकि एट क्वाइंस में जो होते हैं ये जो क्वेश्चन बनेगा ये बाइनोमियल बर्नोली ट्रायल्स का बनेगा बिकॉज सक्सेस और अनसक्सेस के केसेस में प्रोबेबिलिटी निकलेगी सो so, हम जानते हैं कि अगर एक बार हमारे पास हेड आता है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू वन बाई टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल्स टू वन बाई टू एंड वी कैन नॉमिनेट दिस इवेंट एज पी एंड क्यू ओके फॉर दैट वी हैव पी प्लस क्यू इक्वल्स टू वन सो लेट्स प्रोसीड So we have the P denote the probability of getting the head in a single toss of coins. So we have P equals to 1 by 2 and Q equals to 1 by 2. Let's X denote the number of heads in the 8 uh, toss of the 8 coins. So we can say there are the number of trials equals to 8. And out of 8 trials, we need at least 6 heads. So success may be defined as the 3 values of the X.

तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगा देखिए दोनों थे थ्री इंडिविजुअल टर्म्स थे वन बाई टू द पावर एट कॉमन ले लीजिए एट सी सिक्स प्लस एट सी सेवन प्लस एट सी एट ओके इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए सो योर आंसर इज थर्टी सेवन अपॉन टू टू फिफ्टी सिक्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द साइन थीटा कॉस थीटा तो टू का मल्टीप्लाई करिए टू का डिवाइड करिए सो यू विल हैव द न्यू फंक्शन वन बाय टू टू साइन थीटा कॉस थीटा वन बाई टू साइन टू थीटा नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ साइन टूटा इज गोइंग बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन सो वन अपॉन टू साइन टू थीटा ओके विल ऑसिलेट बिटवीन माइनस वन बाई टू टू प्लस वन बाई टू सो द मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस वन बाई टू डन the range of the function <coughs> x minus 5 upon mod of x minus 5 upon x minus 5 very so simple question uh, mod of x minus 5 having the two values a 1 plus x minus 5 and minus x minus 5 so on dividing this minus x minus 5 you will have that values plus 1 and minus 1 so the range is minus 1 comma प्लस वन ओके ऑप्शन में देखिए माइनस वन कोमा प्लस वन एंड ऐसे क्वेश्चन तो भाई याद हो जाते हैं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको पीजीटी लेवल के क्वेश्चन याद हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए एंड बी आर द यूनिट वैक्टर थीटा एंड द एंगल बिटवीन द ए देन ए एंड बी इज द यूनिट वैक्टर ऑफ थीटा इक्वल्स टू फिर से क्वेश्चन को पढ़ूंगा इफ ए एंड बी आर द यूनिट वैक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दम मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा है देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वैक्टर इफ थीटा इक्वल्स टू तो कह रहा है ए प्लस बी एक यूनिट वैक्टर होगा इट मीन्स वो कह रहे हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू वन लेके सॉल्व करो बिकॉज ए और बी यूनिट वैक्टर है सो यूनिट वैक्टर का मैग्निट्यूड कितना होता है वन सो so क्या करेंगे कैसे करेंगे मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू वन स्क्वायर कर दीजिए द स्क्वायर ऑफ एनी वैक्टर्स इज सपोज टू बी द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन ए प्लस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू वन सॉल्व कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉट टू ए बी इक्वल्स टू वन सो इसको ओपन करेंगे वन प्लस वन टू एंड ये क्या बन जाएगा टू प्लस टू कॉस् थीटा ओके टू प्लस टू कॉस्थीटा इक्वल्स टू वन सो टू cos थीटा से यहाँ माइनस वन आएगा एंड ए प्लस बी कॉस्टा इक्वल टू माइनस वन बाई टू सो थीटा इक्वल्स टू टू बाई थ्री अब एक चीज में आपको एक बात और बता दूं कि अगर दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है अगर दो यूनिट यूनिट वेक्टर वेक्टर का सम एक वेक्टर है, ओके, तो यहां पे जो थीटा होगा दोनों के बीच का एंगल वो कितना होगा वो 120 डिग्री होगा ओके डायरेक्टली सो आंसर इज टू पा बाई थ्री ओके अगर दो यूनिट वैक्टर का सम जो होगा वो तीसरा भी यूनिट वैक्टर होगा सो so, आपके पास डायरेक्टली क्या होता है आंसर हम इक्वल टू टू पा बाय थ्री तो ये फिजिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट है आप यहां से भी इसको याद कर सकते थे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ थ्री प्लस ए टू द पावर ए एक्स की पावर एंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर फोर एंड एक्स की पावर फाइव आर इक्वल तो भाई साहब बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल कंसेप्ट आपको लगाना है देखिए ए एक्स की पावर नाइन में एक्स की पावर फोर आपको कब मिलेगा पहले आपको इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा एंड यू नो द जनरल टर्म इस एक्सप्रेशन के लिए आपके पास कितना बन जाएगा यदि मैं जनरल टर्म आपको लिख करके बताऊं इस एक्सप्रेशन का फॉर पर्टिकुलरली थ्री प्लस ए एक्स होल टू पावर नाइन का सो so, आपके पास बनेगा नाइन सी आर ओके नाइन सी आर थ्री टू द पावर नाइन माइनस आर एंड ए एक्स टू पावर आर ये बनेगा इसका जनरल टर्म तो हमारे पास हमें आर की क्या रिक्वायरमेंट है हमें एक बार फोर की रिक्वायरमेंट है और एक बार फाइव की रिक्वायरमेंट है तो एक बार हम आर की जगह फोर लेंगे और एक बार हम आर की जगह क्या लेंगे फाइव लेंगे यस yes. तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है जैसा इसमें एक्सपेंशन किया गया सिंपली आपको एक बार आर की जगह फोर लेना और आर की जगह फाइव लेंगे तो जब आप आर की जगह फोर लेंगे सो यू विल हैव द टर्म नाइन सी फोर फोर ओके थ्री की पावर नाइन माइनस फोर एंड ए ए क्या बैठा हुआ है यहाँ पे ए एक्स है ना सो ए एक्स की पावर कितना आ जाएगा फोर ये कौन सा टर्म है कह रहा कोफिशियंट इक्वल है तो कोफ़िशियंट एक्स की पावर फोर का यहाँ पे क्या बनेगा इतना बनेगा एक्स की पावर फोर को हटा लीजिए सो so, इसका जो कोफ़िशियंट बनेगा नाइन सी फोर थ्री की पावर नाइन माइनस फोर एंड ए की पावर फोर एंड दिस कोफिशियंट इज इक्वल टू द एक्स की पावर फाइव का कोफिशियन सो दैट विल बी नाइन सी फाइव थ्री की पावर नाइन माइनस फाइव एंड एक्स टू सॉरी ए टू पावर फाइव तो हमसे क्या बोल रहे हैं ए की वैल्यू पूछ रहे हैं भाई नाइन सी फोर एंड नाइन सी फाइव कैंसिल हो गया थ्री की पावर नाइन माइनस फोर कितना चार गए और ए की पावर फोर टू थ्री की पावर ये कितना हो जाएगा नौ में से पांच गए चार से फोर एंड ए की पावर फाइव सो so, क्या बच जाएगा भाई चार में से पावर एक कैंसिल हो गई देख रहा है क्वेश्चन का आंसर ही समझ में आ रहा है थ्री सो सिंपल क्वेश्चन का आंसर है टू थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इन अ ट्रैंगल ए बी सी इफ कॉस बी इक्वल टू टू साइन अपॉन टू साइनसी देन द ट्रेंगल इज आपको बताना है कि ट्रैंगल किस टाइप का होगा आपके पास क्या कंडीशन दी गई है आपके पास कंडीशन भी दी गई है कॉस बी इक्वल टू साइन एपॉन टू साइन मतलब सोल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैंगल का क्वेश्चन है, है ये आइए इसको सॉल्व करते हैं साइन इक्वल टू साइन कॉस बी इक्वल टू साइन एपॉन टू सी कैसे सॉल्व होगा देखो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू बी सी और साइन ए की जगह आपको लेंथ की फॉर्म में लाना पड़ेगा तो साइन ए अपॉन ए यू नो साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू के होता है तो साइन इक्वल टू के ए एंड ये टू के सी सो भाई कैंसिल कर दो टू से टू कैंसिल सी से सी कैंसिल और के से के कैंसिल तो ए का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ ओके okay, सो so कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया सो सी इक्वल टू बी सो द टाइप ऑफ ट्रैंगल इज एन आईसोसेल्स ट्रैंगल कैसा ट्रैंगल होगा भैया आईसोसेलस ट्रेंगल नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन वन जीरो से लेके फाइव बाई फोर तक वन प्लस साइन टू एक्स का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है सो so, जीरो से लेके पाई बाई फोर तक वन प्लस साइन टू एक्स तो देखिए वन प्लस साइन टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ जीरो से लेके पाई बाई फोर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई फोर और ये पॉजिटिव में टूट जाएगा बिकॉज जीरो से लेके पाई बाई फोर में दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कॉस एक्स प्लस साइनक्स का इंटीग्रेशन और इट विल बिकम कॉस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स जीरो से लेके पाई बाई फोर ओके और इंटीग्रेशन जीरो प्लस वन पुट करने पर कितना आ जाएगा पहले पाई बाई फोर की वैल्यू पुट करो तो, तो अपने पास आ जाएगा साइन पाई बाई फोर माइनस का साइन तो बाई फोर कॉस पाई बाई फोर दोनों सेम होते हैं तो वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू ये अपर लिमिट हो गई एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करना है तो साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो कितना होता है वन तो आंसर कितना आएगा प्लस वन आ जाएगा सॉल्व करने पर डन चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर कितना प्यारा क्वेश्चन आया है भाई एक्स प्लस थ्री को एक्स प्लस फोर माइनस वन कर दो और नीचे एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर सो सिंपल गाइज सो एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स को बाहर कर लो और 1 X 4 का होता है क्या ये वाला राजा रानी गए बाजार वाली ट्रिक लग गई आंसर ई e की पावर एक्स प्लस फोर और कौन है रानी वन अपॉन एक्स प्लस फोर ओके डन तो भाई साहब कितने प्यारे प्यारे, प्यारे क्वेश्चन आए देख रहे हो आप लोग इलेवेंथ क्वेश्चन द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन लड्डू मिल गया लड्डू ओके टू टू वन फोर वन एट सो ए वन ए टू बी वन बी टू वन सी टू अपॉन अंडर ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर वन स्क्वायर मतलब टाइम पास करने के लिए और ये जो क्वेश्चन गलत किया ना जिसने उससे तो सिलेक्शन उठा के बाहर फेंक दो एग्जाम के उसका तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है ना है डन चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई लेट एस बी द सेट ऑफ ऑट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ओके क्या बात है एन ए इक्वल टू के कार्डीनलिटी के दी गई है तो कह रहा है नंबर ऑफ एस एन एस पूछ रहा है सुनो 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 एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस तो भैया सेट ऑफ ऑल फंक्शंस बोल रहा है कि कितने फंक्शन होंगे आपको पूछा गया है नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए एन ऑफ ए इक्वल टू के तो देखो भाई साहब इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं के इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं के और आपको बता रहा है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस ये सारे फंक्शन है मतलब कुल मिला के आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने बनेंगे तो बहुत ही सिंपल होता है टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन भाई दोनों में सेम है सो so, टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस क्या बना करते हैं मालूम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बना करते हैं मेरी क्या ट्रिक है पापा के कंधे पे बेटा पापा के कंधे पे बेटा तो ये होते हैं बेटे ओके सेट ए होते हैं बेटे और सेट बी होते हैं पापा अभी तो फिलहाल so, मेरी जो ट्रिक कहती है वो कहती है कि एन ऑफ बी ओके पापा के कंधे पे बेटे के नंबर्स तो यहां पे पापा भी के है और बेटा भी के है तो आंसर कितना आएगा के की पावर के ओ भाई कितना इजी क्वेश्चन देखते ही टक 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 चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ़ ए बी इक्वल टू जीरो ए इतना दिया गया है और बी इतना दिया गया है देन फाइव थीटा माइनस फाइव इक्वल टू देखो भाई पहले ए बी इक्वल टू जीरो दे दिया गया तो सबसे पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है भाई के वी एस के नजर से देखा जाए तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है मेहनत करवाएगा तो पहले ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये है टर्म ये है टर्म फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ओके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस् थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये लिख दिया एंड कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये लिख दिया फिर इसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख दिया और साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा साइन थीटा ओ माई गॉड कितना बड़ा फंक्शन है ये चलो लिख करके इक्वल टू कितने के जीरो के इक्वल है अब देखो भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा 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 साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव तो ये क्या हो गया यहां पे देखो 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 <coughs> यहां पर आपके पास में यदि आप इस परिटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव और कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइ साइन फाइव ठीक है ना ओके okay. ठीक तो यहां से कुछ कॉमन लिया गया है हाँ, कितना कॉमन लिया गया देखो यहां से यहां से आपने कुछ कॉमन ले लिया है क्या कॉमन ले लिया है देखो कॉस् थीटा टा कॉस्ट फाइव कॉमन है कॉस्ट थीटा टा कॉस्ट फाइव कॉमन है ओके और यहां से भी क्या कॉमन है देखो यहां से आपके पास पर कॉमन है कॉस्ट थीटा टा कॉस्ट फाइव और 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 कुछ कॉमन है क्या कॉस्ट थीटा कॉस्ट फाइव तो कॉमन होना चाहिए ना तभी तो कुछ निकलेगा तो जो जो चीजें कॉमन है कुल मिलाकर आप वहां से कॉमन ले लीजिए तो कॉमन लेने के बाद आपके पास ये स्ट्रक्चर बन रही है थोड़ा सा इसको मैं एलब्रेट करना चाहूँगा ओके okay, तो इस क्वेश्चन में राइट right नाउ थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आ रही है सो so, शायद इसके क्वेश्चन में एडिटिंग में कोई मिस्टेक है तो इसको हम एट द एंड देखेंगे अभी थोड़ा इस पर टाइम लग रहा है अगले क्वेश्चन की ओर चलते देखिए इफ एक्स वाई जेड आर द पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई बाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स दोस्तों एक बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी होती है ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम और इस पर क्वेश्चन जरूर आता है ओके ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम इस पर बेसिक क्वेश्चन है, है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आपको अगर कहीं प्लस वाई प्लस प्लस की रिलेशनशिप दिख जाए और कहीं पर प्रोडक्ट है समझ जाओ कि के वी एस का ये क्वेश्चन जो है आपके पास में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी से बना होगा तो कैसे करेंगे देखिए आप जानते हैं इफ ए एम इज ग्रेटर देन जी एम देन एक्स प्लस वाई अपॉन टू ग्रेटर देन एक्स वाई वाई प्लस जेड अपॉन टू ग्रेटर देन वाई जेड जेड प्लस एक्स अपॉन टू ग्रेटर देन जेड एक्स बिकॉज ये क्या है जीएम है अब तीनों के लेफ्ट साइड का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू इंटू टू इंटू टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यदि कर देंगे तो एक्स वाई जेड एन आंसर इज इक्वल टू ग्रेटर देन एट टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड सो सिंपल देखते ही बनने वाला क्वेश्चन था जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है वो देखते ही लगा लेते हैं इक्वल टू एट एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एट एक्स वाई जेड ओके ए एम इज ग्रेटर देन देखिए यहाँ पे वो केस जो होता है ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम तो उस केस में ए एम इक्वल टू जी एम होता है जब आपके नंबर सेम हुआ करते हैं मतलब अगर ए इक्वल्स टू बी अगर आप दोनों नंबर सेम ले लेते हैं तो उसके लिए इक्वल आता है तो ये मत इसको सोच करके करिएगा कि इक्वल तो है नहीं भाई इक्वल जो है यहाँ पे इक्वल टू ए से बेटर आंसर इक्वल टू एक मतलब ग्रेटर और इक्वल टू होता तो ये आंसर सही होता बट मोर बेटर आंसर पे ग्रेटर देन एट एक्स वाइज थ्री होगा ओके इक्वल तो एक केस हुआ बट उसको पूरा आंसर आप नहीं कह सकते हो ना समझो मैं क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम तो वो कंडीशनल एक है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में और आपको दिख रहा है कि नंबर अलग अलग हैं और जब नंबर आपके पास अलग अलग होते हैं तो ए एम ग्रेटर देन जी एम हो जाता है जब नंबर इक्वल होते हैं उस केस में आपके पास ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम हुआ करता है ना तो टोटल फॉर्म में उसको इस तरीके से बोला है वेल well, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए वाई लॉग एक्स वाई इक्वल टू एक्स है तो डी बाई डी एक्स फाइंड करना आपको अब देखो यार ऑप्शन में कहीं भी लॉग का नॉर्मल निशान नहीं है ओके okay, इस चीज को देखो कि जो ऑप्शन है अपने पास में कहीं भी लॉग का नामो निशान नहीं है अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए देखिए सो वी हैव वाई लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स और जो ऑप्शन में आंसर आ रहा है वो वाई और एक्स दोनों की ही फॉर्म में आ रहा है ठीक है ना तो y और x दोनों की फॉर्म में आ रहा है आप इस चीज़ को फील करिए कि जब आप log एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अप एक्स वाई हो जाएगा मतलब इसको कैसे करना आपको इसको डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट करते जाना है तभी आपका लॉग एक्सवाई यहां से गायब हो जाएगा ओके और एक तरीका यह है कि लॉग एक्स वाई प्रॉपर्टी से लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस से ओपन कर सकते हैं well, वेल उसकी कोई जरूरत नहीं यहां पे चलिए तो ओपन करते हैं सो वाई लॉग एक्स वाई इक्वल टू एक्स हमारे पास है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ओके ये देखिए इतना केवल क्या हुआ है ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन हुआ देन इसके बाद सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू वन अब यहां पे देखिए y से y कैंसिल हो गया x एक से x कैंसिल हो गया तो पहले में क्या आएगा डी बाबाई डी एक्स आ गया सिंपली देन इसके बाद ये कितना आ जाएगा हमारे पास y से y कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा अपने पास में ये y से y कैंसिल होने के बाद यदि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स को राइट साइड में ले गया तो वन माइनस वाई अपॉन एक्स सो डी बाबू डी एक्स कॉमन लेने के बाद वन प्लस बच गया हमारे पास कितना लॉग एक्स वाई अब लॉग एक्स वाई की वैल्यू आप यहाँ से एलिमिनेट करिए एक्स अपॉन वाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सो so, आपने क्या किया लॉग की वैल्यू आपने यहाँ पे एलिमिनेट कर दी है एक्स अपॉन वाई ओके 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 यहाँ पे देन इसके बाद वाई अपॉन एक्स तो पहले आ चुका था लॉग एक्स की वैल्यू इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया बहुत प्यारा क्वेश्चन है ओके okay, तो मेन कमाल की चीज़ क्या थी देखिए पहचानिए इस क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ पे जो लॉग एक्स वाई है उसको हटाने के लिए हमको वाई अपॉन एक्स पुट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में कहीं भी लॉक की टर्म नहीं है तो ये सारी चीजें पहचान लेनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेट एफ बी डिफरेंशियबल फॉर ऑल एक्स इफ एफ वन इज इक्वल टू माइनस टू एंड एफ डबल डे एक्स ग्रेटर देन टू वेन एक्स इज बिलोंग्स टू वन कॉमासिक्स देन देखो भाई क्या कह रहा है आपके पास कह रहा है कि एफ डिफरेंशियबल फंक्शन है और एफ माइनस वन पे एफ वन पे कितना आ रहा है माइनस टू आ रहा है फंक्शन की वैल्यू वन पे कितनी है माइनस टू है एंड एफ डैस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू मतलब एफ डैस एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू टू दिया गया है और एक्स की वैल्यू जो है वन से लेके सिक्स के बीच में लाई कर रही है तो आपको बताना है कि एफ सिक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा आपको बताना है कि एफ सिक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा किससे ग्रेटर होगा लेस होगा देखो आपके पास जो एफ डेस एक्स दिया गया है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टू दिया गया है एफ डेस एक्स आपके पास जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दिया गया है टू दिया गया है और वन से लेकर के सिक्स की बात आपके पास की गई है और एफ वन इक्वल टू माइनस टू दिया गया तो लैंग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे कंसेप्ट लगने वाला है तो लैंग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट आपके पास होते हैं वन से लेकर सिक्स क्योंकि वन से लेकर सिक्स की बात हो रही है तो अगर आपके पास दो पॉइंट हुआ करते हैं ओके तो आपके पास जिस पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी है ओके okay, तो वन से लेकर सिक्स तक आपके पास पॉइंट है सो एफ डैस सी एफ डैस सी मतलब एनी पॉइंट फॉर एनी पॉइंट बिटवीन वन टू सिक्स एफ डैस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ये लैंग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट होता है तो बी पॉइंट आपके पास क्या है सिक्स है ए पॉइंट क्या है माइनस टू है ओके okay, तो सॉरी वन है ए पॉइंट तो एफ वन अपॉन बी माइनस सिक्स माइनस वन ओके okay. अब देखिए यहां पे एफ सिक्स माइनस एफ वन अपॉन सिक्स माइनस वन सो एफ सिक्स माइनस ये हो गया इसकी वैल्यू और फाइव अब देखो क्या दिया कि, कि किसी भी पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरेवेटिव टू से बड़ा है एवरीवेयर ओके एवरीवेयर तो ये जो अपने पास में कब जब वन से लेके सिक्स के बीच में तो ये भी हमारे पास क्या आएगा टू से बड़ा आएगा टू फाइव जा टेन सो एफ सिक्स प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन सो एफ सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना प्लस एट बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है बट क्वेश्चन देखने पर ऐसा लग रहा है हे भगवान क्या आ चुका है इसलिए बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन परेशान करेगा और आप इसको प्लीज़ एक बार सॉल्व करके जाइए एक बार फिर से मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि बच्चों एफ डेस एक्स की जो वैल्यू होती, होती है दैट इज इक्वल टू होती है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए तो हम कहाँ से कहाँ तक खेल रहे हैं हम वन से लेके सिक्स के लिए खेल रहे हैं सो so यहाँ पर आ जाएगा एफ़ सिक्स माइनस एफ ए अपॉन सिक्स माइनस वन एफ वन है ना सिक्स माइनस वन कितना हो गया भाई साहब फाइव और ये किसके इक्वल है एफ डैस एक्स के इक्वल है अब कह रहा है एक्स एफ डैस एक्स ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू टू है मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा टू से क्या आएगी बड़ी या बराबर तो टू से बड़ी या बराबर के कंसेप्ट का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए लग नहीं रहा था कि इसमें लैंग्रांजेस थेरम लगेगी बट लगेगी अगला क्वेश्चन द जनरल वैल्यू ऑफ सेटिस बढ़िया क्वेश्चन भाई इक्वेशन का साइन क्यूबा थी मन में लड्डू फूटा ऐसा लगा कि को इधर ले जाइए बट भाई साहब आंसर पे विचार कर लो अगर आप कॉस् क्यूब थीटा को इधर ले जाओगे तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन किस में बन जाएगी टेन में बन जाएगी ओके और आपके पास कॉस की एक्सप्रेशन वाले दो आंसर बैठे हैं दो कॉस की एक्सप्रेशन वाले हैं Uh, और एक जो है वो लगभग लगभग टेन की एक्सप्रेशन के दो आंसर आपके पास बैठे हुए हैं okay. ओके और ये तो टेन की एक्सप्रेशन से भी आपको मिलेगा नहीं टेन की एक्सप्रेशन से केवल आपको ये ऑप्शन मिलेगा चलो चलिए सॉल्व करते हैं तो साइन क्यूब थ्रीटा प्लस कॉस क्यूब थ्रीटा को हम सॉल्व करेंगे किस फॉर्मूले से साइन क्यूब थीटा प्लस क्यूब थीटा को हम सॉल्व कर रहे हैं एक मिनट जी ऑप्शन नंबर इसका थ्री आ रहा है ये तो ठीक है अच्छी बात है साइन क्यूब थीटा प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी तो दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो डन या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा अब देखो भाई वन अपॉइंट वन माइनस टू साइन टू थीटा नॉट इक्वल टू जीरो क्यों क्योंकि यदि आप इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या होगा देख लो करके दिखा देता हूँ वन माइनस वन टू साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो करोगे तो ये इस तरफ चला जाएगा तो वन इक्वल टू वन अपॉन टू साइन टू थीटा बहुत बढ़िया और तो साइन टू थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा टू जो कि कभी पॉसिबल नहीं है मतलब ये चीज़ तो रिजेक्ट हो गई ये वाली केवल उम्मीद इससे है साइन थीटा प्लस कॉस्ट थीटा इक्वल टू ज़ीरो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा साइन थीटा प्लस कॉस्ट थीटा इक्वल टू जीरो सॉल्व करने के तरीके हैं यहां पर किसकी फॉर्म में इन लोगों ने सॉल्व किया है साइन की फॉर्म में सॉल्व कर दिया ओके यूजुअली इसको जो है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखो मैं आपको दिखा देता हूं साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा तो इसके नीचे आ जाएगा कॉस तो माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया वन तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन सो आई कैन राइट तेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस फाइव बाई फोर तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है आपके पास थीटा जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा और अल्फा की जगह कौन खेल रहा भाई माइनस एन पाई माइनस पाई बाई फोर सो so आंसर थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर तो भाई मज़े हो गए ना आंसर आ गया क्या सी पे तारा लगाएंगे ये और कर दिया हमने के डी एस यार और सोचो जरा और अगर सोचा जाए सोचा जाए सोचा जाए तो अगर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा यदि मैं इसको करूं करूं करूं, करूं किस फॉर्म से इसको मैं करूं डायरेक्ट मेथड से तो क्या गलत होगा भाई मैं देखता हूं जरा कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करता हूं तो क्या आफत आ रही है उसको भी देख लेता हूं एक बार ना चलो क्योंकि देखो या कोई यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो ना तो आपको ऑप्शन मैच करना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से चलता है अपनी बुद्धि का ही तेल लेने है ना तो भैया साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस क्यूब थीटा लियो भाई तो डिवाइड कर दो तो टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस का वन ओ भाई साहब टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस का वन यानी कि टेन थीटा इक्वल टू माइनस का वन लोग कितनी मेहनत कर रहे थे हम वहाँ पे ना और आंसर बैठा है घर के सामने मतलब गांव भर डिंडोरा और बैठा है घर छोरा ऐसे कुछ बोलते हैं भाई भावनाओं पे जाओ तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया एन पाई माइनस पाई बाई फोर मजे आ गए भाई साहब सी ऑप्शन ताला लगाओ ढोल बजाओ आगे चलो अगला क्वेश्चन हो एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन माइनस वन से लेके वन ओके फंक्शन का टाइप क्या है इवन है कि ऑड है ऑड हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में जीरो है और जीरो है ही नहीं है मतलब बहुत मजे की बात है क्वेश्चन को हमको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन का टाइप क्या है चलो कैसे सॉल्व करें देखो बच्चों जो हमें ट्रेवल करना है वो कहां से कहां ट्रेवल करना है माइनस वन से लेके प्लस वन ठीक ना माइनस वन से लेके प्लस वन और सब बच्चों को पता है कि मॉड की जो ट्रेन होती है वो कहां पे ब्रेक होती है मॉड एक्स इक्वल टू जीरो और टू जीरो, टू जीरो और एक एकस कब एकस ग्रेटर देन वन और एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अरे भैया जीरो से बड़ा और ये कब जब जीरो से छोटा मतलब दो बिहेवियर तय होंगे एक लिमिट बनेगी माइनस वन से जीरो एक बनेगी जीरो से लेके वन क्या बात है तो बना लो भैया एक लिमिट बन गई माइनस वन से लेके जीरो बिहेवियर ये हो गया और जीरो से लेके कर वन आपको सबको पता है माइनस वन से लेके कर जीरो में फंक्शन ये टूटेगा जीरो से लेके कर वन में सॉरी माइनस वन से लेके जीरो में माइनस एक्स पे टूट जाएगा क्यों मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है जीरो से छोटे पे हम्म और जीरो से वन पे मतलब जीरो से बड़े के लिए फंक्शन क्या बोल गया मैं हाँ जीरो से बड़े के लिए फंक्शन ये टूटता है बिल्कुल सही बोला ना जल्दी जल्दी मैं गलत भी बोल जाता हूँ ओ भाई साहब दुकान लगा दी इसने तो ऊपर देखो सबसे पहले दो पार्ट में फंक्शन बन रहा है ना हाँ जी दो पार्ट में फंक्शन बन रहा है एक बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एक बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या रास्ता है भाई साहब डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का फंक्शन की पावर थ्री है और नीचे की फंक्शन की पावर टू है तो डिवाइड कर दिया पहला पार्ट डिवाइड करके पहले पार्ट में एक्स प्लस टू अपॉन इतना आ चुका है अब इंटीग्रेट कर दिया एक्स प्लस टू और टू एक्स माइनस वन लो इसके बाद माइनस वन से लेकर के जीरो और टू एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस वन लो भाई बना दिया क्या इसका नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बना दिया है इतनी मेहनत करने के बाद और दूसरा वाला पार्ट क्या निकला है दूसरा वाला पार्ट कहाँ आ गया ओहो इसी में तीसरा पार्ट आ गया है ये वाला देखो टू एक्स माइनस टू के बाद माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू एक्स इसका हो जाएगा लॉग में इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स और इसके बाद ये सॉल्व किया तो ये पहला पार्ट आ चुका है भाई पहला पार्ट इतनी मेहनत करने के बाद आया दूसरा पार्ट अब सॉल्व करा है तो भाई दूसरा पार्ट अपन ने सॉल्व किया जीरो से लेके वन तो फिर से इसको डिवाइड किया इसके पार्ट टूट गए फिर डिनोमिनेटर की फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिखा कॉमन नामन ले कर के और ये तोड़ दिया और इसको सॉल्व कर दिया भाई बिल्कुल देखो इतना हाई लेवल का क्वेश्चन है मतलब ये क्वेश्चन जो है ना आपको बिल्कुल बर्बाद करने के लिए आया था इस क्वेश्चन को बिल्कुल छूना नहीं अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है ना तो डोंट टच मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल टच मत करो क्योंकि ये दो पार्ट में होगा बैंड बच जाएगी आपकी भाई इसको सॉल्व करने में कोई शॉर्ट ट्रिक अगर मेरे को इन फ्यूचर मिल गई तो मैं अलग से आपको बता दूंगा कि इसको कैसे करना है बट अभी तो भाई नाना नाना नारे ना इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छूना क्योंकि दो पार्ट में आई वन तो निकालने के बाद दोस्त जिंदगी अभी बाकी है वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ओके दोनों की तो देखो पहला वाला आया है टू माइनस लॉक फिर आया कितना टू लॉक फोर माइनस टू लॉक टू जिसको बोलते हैं ये आ गया उसको सॉल्व करने के बाद आ गया फाइनली लॉक फोर आया आंसर आया टू लॉक टू भाई साहब माफ करो चलो अगला क्वेश्चन देखो इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स दिस इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस देन एल इज इक्वल कह रहा है कि अगर कोई टेंजेंट है एलिप्स पर वो इक्वल लेंथ एल काट रही है एक्सिस के साथ तो सबसे पहले इस पर एलिप्स का इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा अब हम जानते हैं कि इस पर एलिप्स क्या कह रहा है कि इस पर जो खींची गई टेंजेंट है ओके okay, इस पर खींची गई टेंजेंट जो है वो इक्वल लेंथ काट रही है मतलब एक्स भी एल लेंथ इक्वल लेंथ एन ऑन द एक्सेस मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी कितना है एल और वाई इंटरसेप्ट भी कितना है एल तो आइए सॉल्व करते हैं तो कह रहा है एल की इक्वल वैल्यू क्या होगी चलो भाई साहब अगर कोई टेंजेंट है किसी पॉइंट पर मान लो एक्स वन वाई वन पॉइंट पर कोई टेंजेंट है तो इसका इक्वेशन क्या होता है एक्स एक्सन वन अपन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपन बी स्क्र इक्वल टू वन मजा आ गया इसका इंटरसेप्ट होगा कितना ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन बी स्क्वायर अपॉन वाई वन अब दे रखा है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है भाई साहब एल तो पहली भी एल है दूसरी भी एल है तो एक्स वन आ गया वाई वन आ गया ओके अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एल और हमको पता है कि x1 और y1 किसके टेंजेंट के पॉइंट हैं तो x1 और y1 वन सेटिस्फाई करेंगे हमने x1 की वैल्यू रख दी x1 की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन एल तो ए की पावर फोर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा b की पावर फोर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा दोनों को कैंसिल कर दिया तो 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 इधर चला गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बज गए स्क्वायर अपन एल स्क्वायर बी स्क्न एल स्क्वायर इक्वल टू वन सोव करने पर एल इक्वल टू अंडर जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब मजा आ गया सो आई वुड लाइक टू से दिस क्वेश्चन एज गुड 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 जी हाँ तो इस क्वेश्चन को अपन ने गुड कह दिया ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन इन प्लेन इज वन कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द टू परपेंडिकुलर लाइन ये है कुछ ऐसा भाई ये कोई पॉइंट है और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन दो परपेंडिकुलर लाइन का सम जो है वन हमेशा दिया जा रहा है तो आपको बताना है कि इसका लोकस क्या होगा देखिए जी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पर कोई पॉइंट है अच्छा एच कॉमा के ले लो तो इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है के इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है एच तो मॉड ऑफ एच प्लस मॉड ऑफ के इक्वल टू कितना वन अब मजबूरी खत्म हुई तो एच और के की जगह एक्स और वाई पुट कर दो तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू वन सो इसके चार केसेस बनेंगे एक इधर, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर तो ये क्या बनेगा भाई लोकस ये होगा स्क्वायर मगर पहली नज़र में देखते ही लोगों को लगता है लाइन बनेगी भाई साहब लाइन मत करना ये स्क्वायर बनता है क्योंकि इसमें चार केसेस बना करते हैं और मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू वन की इक्वेशन बनती है ओके यस डन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स का क्यूब है तो एफ डबल डैश जीरो क्या होगा मॉड ऑफ एक्स क्यूब को बड़ी खूबसूरती से हम सॉल्व करते हैं देखो जी कैसे सॉल्व करते हैं हम एफ एक्स को मॉड ऑफ एक्स का क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इन मॉड ऑफ एक्स तो भाई मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखो चाहे एक्स का स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि स्क्वायर आने के बाद में तो पॉजिटिव ही आएगा ओके तो ये देखिए हालत कुछ ये होने वाले हैं मैंने तो पहले ही बता दिया था कि अगर आपके पास में एफ एक्स है तो आप इसको लिख सकते हो मॉड एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एक्स ठीक है ना एक्स क्यूब को क्यों क्योंकि भाई आपके पास इस तरीके की सीन है ना एक्स स्क्वायर इंटू मोड ऑफ एक्स अब एक्स स्क्वायर तो हरदम आपका एक्स स्क्वायर आएगा ना हरदम आपका वो पॉजिटिव ही आएगा ठीक है ना तो आपका एक्स स्क्वायर इंटू मॉडेक्स आएगा तो अब आपके पास सीन क्या हो गया एक तो आपके पास यदि देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इंटू मॉडेक्स दो पार्ट में टूटेगा एक टूटेगा प्लस एक्स का क्यूब और एक टूटेगा माइनस एक्स का क्यूब चलो तो जीरो पर डिफरेंशिएबल करना है तो दो बार डिफरेंशिएट कर दिया एक बार आ गया 6x, एक बार आ गया कितना तो देखो भैया जीरो पे भी ग्रेटर देन जीरो पे भी जीरो आएगा और लेस देन जीरो पे भी जीरो आएगा मतलब इसका डिफरेंशियबिलिटी कितनी होगी अब डबल डैश जीरो पे जीरो ही होगी और ये डिफरेंशियबल भी है <coughs> बढ़िया क्वेश्चन भाई मजा आ गया अच्छा क्वेश्चन है तगड़ा क्वेश्चन तो इस पर हम लोग को मजा आ गया आगे चलते हैं दोस्तों

वर्टेक्स को करता है जिसमें जाएंगे. भाई, मजा आ गया. तो आपके पास एक्स इक्वल टू आपने नाइन रख दिया तो आपको वाई कितना मिल गया माइनस सिक्स तो आपके पास दो पॉइंट मिलेंगे क्योंकि पैराबोला में एक पॉइंट मिलेगा नाइन कॉमा प्लस सिक्स और दूसरा क्या मिलेगा नाइन कॉमा माइनस सिक्स तो जल्दी जल्दी में भाई लोगों यहाँ पर कर दिया गया और एक पॉइंट आपके पास क्या है जीरो जीरो तो फॉर्मूला क्या लगेगा वाई टू माइनस वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन देखो वाई टू के आपने पास कंबाइंडली देखा जाए तो प्लस माइनस सिक्स है ना प्लस माइनस सिक्स माइनस वाई वन कितना जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स वन एक्स कितना भाई साहब आपके पास दोनों केस में नाइन माइनस जीरो है तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में थ्री वाई इक्वल टू टू एक्स तो अपने पास ये लाइन आ चुकी है तो अपने पास भाई साहब दो लाइनें बन जाएंगी थ्री वाई माइनस टू एक्स यदि आपके पास में तो अपने पास कैसी लाइन निकल करके आएंगी अब ऑप्शन की रिक्वायरमेंट देखो भाई थ्री वाई माइनस का प्लस माइनस टू एक्स आया ठीक है ना थ्री वाई प्लस माइनस टू एक्स ओके थ्री वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू एक्स अगर आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे ओके ये भी फिलहाल देखिए थ्री वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू एक्स यदि इसको मैं इधर ले आऊँ तो थ्री वाई ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो ऑप्शन में देखो थ्री वाई माइनस प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो ऐसा कुछ नहीं है बट यदि मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर पे हम्मेट वेट 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 यदि मैं तो थ्री वाई माइनस प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो इनको अलग अलग कर लो तो अच्छा आ जाए देखो अलग अलग कर लिया आपने तो थ्री वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो अब एक काम करो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो तो टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो एक आ गया तो टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो ठीक है और यदि टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो देखो इसमें इसमें तो कोफिशंट ही बदल दिए हैं एक्स के साथ थ्री कर दिया वाई के साथ टू कर दिया बिल्कुल गलत इसमें भी गलत है फाइव ये भी गलत है है ना देखो टू एक्स प्लस वाई तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ए ही होगा भाई साहब इसको उसको उल्टा पुल्टा घुमा करके लिख दिया है तो करेक्ट ऑप्शन इसका कितना होगा ए ही होगा अब बाकी करने का तरीका देखो कैसे कर दिया अपने पास कितना आया है अपने पास आया है थ्री वाई प्लस माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो तो एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर थ्री वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो और एक बार प्लस लेने कर थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके उसने एडजस्टमेंट करके एक्स को आगे कर दिया वाई को पीछे कर दिया चिंता की बात नहीं ऑप्शन को देखिए आंसर लगाइए लो भाई अगला क्वेश्चन जनरल नॉलेज टाइप का वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस नाइनटी नाइन अप टू हंड्रेड का यूनिट डिजिट बताओ ओके तो भैया वन प्लस टू अपू नाइन्टी नाइन हंड्रेड का यूनिट डिजिट बताओ तो यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा देखो पहला डिजिट इसका वन फैक्टोरियल का कितना आता है वन टू फैक्टोरियल का कितना आता है टू थ्री फैक्टोरियल का आता है थ्री टू या सिक्स फोर फैक्ट्रोल का कितना आता है सिक्सटीन फोर फैक्टोरियल का कितना आता अरे सिक्सटीन क्यों होता है फोर इंटू थ्री इंटू टू फोर थ्री या ट्वेल्व ट्वेंटी फोर आता है जी हाँ ट्वेंटी फोर आता है ओके देन इसके बाद कितना फाइव है फाइव फैक्टोरियल का वन ट्वेंटी वन टू जीरो ओके इस तरीके से जो फैक्टोरियल आते हैं वो हमारे पास बना करते हैं ठीक ना? One, two, three, four. Five factorial है ना वन टू थ्री फोर फाइव फैक्टोरियल आ गए हैं तो हमारा जो यूनिट डिजिट है हमें वो बताना है हमारा जो यूनिट डिजिट है हमें वो बताना है अब आप एक चीज़ देखो कि आप इसके बाद में जितने भी फैक्टोरियल निकालोगे आप इसके पास में जितने भी फैक्टोरियल निकालोगे कुछ ऐसे समझो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डॉ डॉ जितने भी हैं यहाँ से वन प्लस टू प्लस फोर तक तो ठीक है उसके बाद पाँच से लेके जितने भी फैक्टोरियल निकलते हैं सबके सब क्या है दस के मल्टीपल हैं मतलब सबके यूनिट प्लेस में जीरो आएगा और यूनिट प्लेस में आने वाला जीरो आपके टोटल सम का जो यूनिट प्लेस है उसको प्रभावित नहीं करेगा तो उसको प्रभावित केवल कौन करेंगे ये शुरू के चार और इन शुरू के चारों का इकाई का डिजिट यानी यूनिट प्लेस का डिजिट देख लो तो भैया इसका कितना बन रहा है चौबीस इसका बन रहा है कितना छः इसका बन रहा है दो और इसका बन रहा है एक चौबीस छः तीस दो बत्तीस और एक कितना हुआ तैतीस थर्टी थ्री मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा थ्री होगा बॉस थ्री चलो अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने स्क्रीन पे एफ एक्स इक्वल टू इतना 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 है तो एफ एक्स हैज मैक्सिमम आपको बताना है कि एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी तो आपके पास ये फंक्शन दिया गया है और आपको एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है ठीक है जी एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है तो मान लिया कि आपने एफ एक्स की वैल्यू के पर मैक्सिमम है देखो उसको ट्रिकी तरीके से करते हैं सीधे तरीके से जाओगे तो बाबा हो जाओगे इसको ट्रिकी तरीके से अपन करते हैं मान लिया एक्स की वैल्यू के पर है और आपको पता है कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है उस पर एफ डैस एक्स इक्वल टू कितना होता है जीरो अब आप के पर मैक्सिमम मान रहे हो तो मतलब एफ डैस के की वैल्यू कितनी होगी जीरो तो आपने एफ डैस के पर इसको जीरो के इक्वल मान लिया यस तो टू टाइम्स ऑफ के माइनस ए टू टाइम्स ऑफ के माइनस बी प्लस टू टाइम्स ऑफ के माइनस सी इक्वल टू जीरो थ्री के माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो थ्री के इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड के इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री भाई साहब सल्यूट मारो कितना प्यारा क्वेश्चन है दुनिया बावली हो जाएगी सोच सोच के कि करना क्या है मगर क्वेश्चन कितना सोल्यूशन देखो आप टेक्निकल देखो है ना एक्स की वैल्यू आपने क्या डाल दी है k डाल दी मान लिया k पर है तो एफ डैस एक्स जो होता है k पर एफ के इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा ना है ना <coughs> क्योंकि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी तो मैक्सिमम uh, कह रहा कि हैज अ मिनिमम एट कह रहा इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आपको किस पर रखना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री ओके क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम का जो फंडा होता है वो किस पर निकलता है एक्स इक्वल टू के पर ओके डन एंड उस पॉइंट पर एफ डेस एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक बढ़िया बात है भाई ओके 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 अच्छा एक थोड़ी सी बात यहाँ पे करना चाहूँगा मैं अब अगर आपने एफ डेस एक्स निकाला था तो एफ डैस एक्स इक्वल टू कितना आया था देखो भाई टब टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए ओके इसका एफ डैस एक्स आया था कितना टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए यानी कि टू एक्स माइनस टू ए टू एक्स माइनस टू ए और अगला कितना आया था टू एक्स माइनस टू बी और तीसरा कितना आया था 2x एक्स माइनस टू यस यदि इसका डबल डेरिवेटिव आप फिर से कर दोगे ना तो कितना आ जाएगा आपके पास पे 2 2 दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो मतलब इस सिचुएशन में आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा तो मिलेगा बट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं मिलेगा ये भी बात ध्यान रखने वाली है नहीं तो आप मेरे से पूछोगे कि सर आपने मिनिमा ही क्यों तय कर लिया मैक्सिमा क्यों नहीं तय कर लिया क्योंकि यहाँ पे भाई साहब डबल डेरेवेटिव टू आ रहा है जो कि पॉजिटिव है तो इसलिए ये फंक्शन आपको क्या देगा मिनिमा देगा मैक्सिमा नहीं देगा चलिए अगला क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रैगल इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द इंक्रीजिंग वेन साइड भाई साहब ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन है साइड कितना होता है डी एक्स बाई डी टी दी गई रूट थ्री और एरिया क्या होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर तो डिफ्रेंशिएट कर दिया रूट थ्री अपॉन टू ओ ठीक है एक्स और डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी डी बाई डी टी निकालना हमको तो रूट थ्री बाई टू एक्स की वैल्यू कितनी है सिक्स और डी एक्स बाई डी टी कितना दिया है रूट थ्री तो रूट थ्री से थ्री कितना हो गया थ्री और थ्री तो आंसर कितना हो गया नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर टाइम पास क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्किल दिस पैरल टू दिस लाइन भाई साहब इक्वेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर का केस लगा के सी निकाल लो और वाई इसके पैरल लाइन का इक्वेशन चाहिए ना ओके इसके पैरल लाइन का इक्वेशन चाहिए तो सी तो हमारे पास आ ही जाएगा और स्लोप आपके पास कितना मिल जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से माइनस थ्री बाई फोर ओके लो तो कंडीशन है इस तरीके से निकल जाएगा पैरेलल टू लाइन आर ठीक है ना अब कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एक तो चीज़ ये ठीक है ठीक है एक एक तो तरीका मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर का यूज़ करके आप क्या निकाल लो सी निकाल लो और सी का इस्तेमाल करने के बाद फिर आप वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकाल लो चलो मैं इस तरीके से भी आपको कराया देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन आ जाएगा आ जाओ भाई साहब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला सी इक्वल टू वन प्लस में जाएगा भाई साहब देखो इधर जाएगा तो माइनस 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 थ्री बाई फोर ठीक है ना हाँ जी तो कितना आ गया अपने पास में माइनस थ्री बाई फोर तो थ्री बाई फोर का स्क्वायर थ्री बाई फोर का स्क्वायर तो नाइन अपॉन कितना हो गया सिक्सटीन तो सी स्क्वायर इक्वल टू सोलह और सोलह प्लस नौ पच्चीस गुणे नौ पच्चीस गुणे नौ मतलब कितना दो सौ पच्चीस अपॉन कितना सिक्सटीन तो सी इक्वल टू हो गया प्लस माइनस पंद्रह बटे चार नौ अब हमको कह रहा है कि विच इज पैरेलल टू द लाइन भाई <coughs> अब पैरल टू द लाइन मतलब इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन चाहिए तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो y इज इक्वल टू एम एम की वैल्यू कितनी आएगी देखिए यहाँ से m की वैल्यू आएगी माइनस थ्री बाई फोर एक्स प्लस सी और c कितना आया अपने पास में प्लस माइनस पंद्रह बटे चार तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन दे दे माइनस प्लस वाला तो पहले प्लस ले लेते हैं देखिए तो यहाँ पे आएगा कितना फोर वाई फोर वाई मिल गया दो में मिल गया है ये देखो फोर वाई और फोर वाई ओके इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन ठीक है तो यदि थ्री एक्स को यहाँ ले जाएंगे तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई और माइनस फिफ्टीन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ओके थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो एक तो ये सोल्यूशन बना बट देखो किसी से ये मैच नहीं कर रहा है मतलब हमको माइनस वाला केस लेना पड़ेगा तो अगर मैं माइनस वाला केस ले लूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास में माइनस हो जाएगा है ना तो क्या हो जाएगा फोर बाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स और माइनस का फिफ्टीन तो यदि मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो थ्री एक्स भी उधर हो जाएगा फिफ्टीन भी इधर हो जाएगा मतलब आंसर आएगा इसका ए चलो चेक करें अरे क्या बात है भैया मजे आ गए सिक्स एक ही आंसर है ओके और चलो भाई अब दूसरा कह रहा है ओ भाई साहब ये क्या कर दिया तुमने बैंड ही बजा दी इस क्वेश्चन की इतने बड़े तरीके से सोल्यूशन करोगे चलो देख लेते हैं इसका सलूशन भाई साहब इनका कहना है कि अगर कोई टेंजेंट टच कर रही है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस जो होगी किसके इक्वल होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगी हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस तो थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सी जो पैरल लाइन होगी थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सी पर खींची गई टेंजेंट की जो लेंथ होगी खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ किसके इक्वल होगी तीन के इक्वल होगी हो है ना तो थ्री एक्स किस खींच रहा भाई ओरिजिन से तो ओरिजिन से खींचे गए परपेंडिकुलर की जो टेंजेंट पर जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी रेडियस के इक्वल तो थ्री इंटू जीरो स्क्वायर कर लिया ओके okay. अरे इतना करने की जरूरत नहीं थी मॉड हटता है तो सीधे प्लस माइनस लगा दिया करो प्लस माइनस थ्री तो सी इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस पंद्रह ओके अब लाइन का इक्वेशन आपके पास क्या था थ्री एक्स प्लस फोर वाई याद रखो थ्री एक्स प्लस फोर वाई के पैरल लाइन का इक्वेशन होता है थ्री एक्स प्लस फोर वाई के पैरल दस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पैरल टू द लाइन आपने शुरुआत में इसके पैरल जो लाइन का इक्वेशन बना था थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो माना था तो c की वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस पंद्रह आई है वैल्यू पुट कर दीजिए दो इक्वेशन आएंगे जो मैच कर जाए भाई ले लो आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कह रहा है इतना 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 तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा देखो भाई साहब ऐसे उठपटांग तरीके के क्वेश्चन दिए हैं सबसे पहले आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो ओके तो सबसे पहले जो है आप इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो तो अच्छे तरीके से लिख लो इसको खटर -खुटर करके ये देखो भाई साहब इसको अपन ने अपॉन ए बी हाँ ठीक है बी बी कॉमन आ गया बी ऊपर चला जाएगा मजे आ गए यहां पे सी कॉमन आ गया सी ऊपर चला गया है ए बी सी नीचे ए, सी, अरे भाई नीऊ ऊंची दुकान फीका पकवान निकल गया जीरो दोनों कैंसिल हो गए ओके वन वन आ गया वन का डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो जी हाँ अगला क्वेश्चन कॉट इनवर्स थ्री माइनस टू थीटा पॉइंट टू प्लस थ्री टेंटिटा रामा रामा क्या होगा ओके देखो कॉट इनवर्स थ्री माइनस टू थीटा पॉइंट टू प्लस थ्री टेंटिटा क्या होगा देखो यहाँ से टू कॉमन ले लोगे अगर तो टू कॉमन लेने पर आपके पास यदि कॉट की फॉर्म में तो सबसे पहले पलट दिया भाई साहब पलट देने पर क्या बनेंगे अपने पास टेन की फॉर्म में बन गया मजे आ गए फिर टू कॉमन ले लो मैं टू कॉमन लेने को बोल ही रहा था तो सॉरी थ्री कॉमन लेंगे यहां पे क्योंकि टेन की फॉर्म में बना है अब पलट चुका है तो थ्री कॉमन लेंगे तो टू अपॉन थ्री प्लस तेन थीटा वन माइनस टू बाई थ्री टेन थीटा देखिए फॉर्मूला क्या होता है टू अपॉन थ्री प्लस तेन थीटा तो अपन जानते हैं टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस इनवर्स बी तो टेन वर्स टू बाई थ्री प्लस टेन वर्स टेन थीटा तो टेन वर्स टू बाई थ्री प्लस थीटा अब कह रहा है इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करने को बोला गया डी बाई डी थीटा तो देखिए पहला वाला पार्ट तो कांस्टेंट है कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो और डी बाई डी थीटा इक्वल टू वन तो भी मस्त क्वेश्चन भाई देखो के में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहता है आपको इतना घुमा के देता है कि आप बिल्कुल बावले हो जाते हो कि हो क्या गया द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द हाइपरबोला ओ भाई साहब एकदम लंगूर क्वेश्चन पूछ लिया सीधे सीधे डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायेयर अपॉन नाइन वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू वन तो वर्टाइसिस देखो भाई साहब ये वाई इसमें जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है हाइपरबोला ओके इस तरफ जाएगा तो वर्टाइसिस इसके क्या मिलेंगे आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ओके 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 द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द हाइपरबोला आपको बताना है कि वर्टाइसिस के हाइपरबोला क्या होंगे देखो याद रखो कि इसमें जो माइनस की तरफ होता है वो आपका कॉन्जुगेट एक्सेस हुआ करता है जो माइनस की तरफ हुआ करता है ना वो कॉन्जुगेट एक्सेस हुआ करता है तो एक्स के नीचे देखो कितना बन रहा है नाइन बन रहा है वाई के नीचे कितना बन रहा है सोलह और वाई माइनस वाला है तो मतलब वाई जो बनेगा इसका कॉन्जुगेट एक्सेस बनेगा ओके okay, और इसकी जो मेन वर्टेक्स बनेगी आपके किस में बनेगी आपके पास में एक्स में बनेगी तो इसकी जो वर्टेक्स निकलेगी वो निकलेगी प्लस माइनस थ्री कॉमा जीरो ओके तो थ्री कॉमा जीरो और माइनस थ्री कॉमा जीरो इस तरीके से इसका हाइपरबोला डिज़ाइन होगा ठीक है इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो प्लस में हुआ करता है वो आपका मेन इसमें खिंचा करता है इसमें बड़े छोटे से मतलब नहीं हुआ करता है ओके okay? हाइपरबोला में मतलब किससे होता है हाइपरबुल में इस बात से मतलब हुआ करता है कि प्लस की तरफ कौन गया है तो प्लस की तरफ अगर एक्स में गया है मतलब एक्स गया है प्लस में मतलब जो आपकी मुख्य एक्सेस जिसको आप ट्रांसवर्स नहीं कॉन्जू गठा ट्रांसवर्स एक्सेस बोलते हो जिसको आप तो ट्रांसवर्स एक्सेस इसकी एक्स के अलॉन्ग जाएगी ओके और अगर ये ऐसा होता कि वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन तो आपकी जो ट्रांसफर्स एक्सेस होती है वो किस में जाती है वाई में जाती चलिए अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल दिस एट पॉइंट भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट तो बताया है आपको कि टेंजेंट के लिए अपने पास क्या करना पड़ता है रिप्लेस करना पड़ता है एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से है ना और और किससे रिप्लेस करना पड़ता है इसको x को रिप्लेस करना पड़ता है x प्लस एक्स वन बाई टू वाई को रिप्लेस करना पड़ता है y प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस कर दिया ठीक है ना तो बस रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आपका आ जाएगा चलो करते हैं इसको तो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन तो एक्स इंटू एक्स वन ओके पॉइंट आपके पास क्या है देखो पॉइंट आपके पास है फोर कामा टू पॉइंट आपके पास कितना है फोर कामा टू तो एक्स वन कितना अपने पास फोर तो पहला बन गया फोर एक्स वन वाई वाई वन तो टू है तो वह आ गया ना फिर इसके बाद क्या है माइनस फोर एक्स है ना तो माइनस फोर फोर इंटू एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू फोर इंटू एक्स प्लस फोर अपॉन टू माइनस फोर वाई प्लस वाई वन अपॉन टू वाई प्लस टू अपॉन टू और प्लस फोर तो सॉल्व कर लीजिए ये टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा बहुत ही सिंपल है एक बार फिर से बता देता हूँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन पुट करते हैं वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन पुट करते हैं एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू पुट करते हैं और वाई की जगह वाई प्लस वाई वन टू पुट करते हैं डन 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 ओ भाई साहब थर्टी वन ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इसकी आइगन वैल्यूज निकालना है तो आपको उनको पता है कि इसके लिए हम क्या निकालते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई और उसको हम जीरो से कंपेयर कराते हैं इफ़ ऑल द आइगन वैल्यूज़ आर लाई इन आपको बताना है कि कौन सी रिलेशनशिप ट्रू बैठेगी इसके लिए तो आइगन वैल्यू निकाल करके हम देखते हैं ये देखिए a माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो कर दिया तो a माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो करने पर सिंपलीफाई करने पर हमारे पास ये आ चुका है माइनस लेमडा क्यूब अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारे तीन फैक्टर आते हैं मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया देखा जाए के वी के लिहाज से तो माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस फाइव लेमडा प्लस थ्री लेमडा प्लस वन कॉमन ले लिया ओ भाई 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 लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा प्लस थ्री लेमडा प्लस वन माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस थ्री लेमडा माइनस लेमडा प्लस थ्री लेमडा प्लस वन लेमंडा माइनस वन लेमडा प्लस थ्री इतना करने के बाद ये अपने पास फैक्टर आ चुके हैं इन फैक्टर को हम जीरो के इक्वल कराएंगे तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई माइनस वन माइनस वन थ्री ओके okay, तो लेमडा माइनस वन की वैल्यू हमें क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शनस में वो लेमडा माइनस वन और लेमडा प्लस वन के फॉर्म में पूछे गए हैं तो हम लेमडा माइनस वन यदि निकालते हैं तो लेमडा हमारे पास यदि माइनस वन है तो लेमडा माइनस वन हमारे पास कितना आएगा माइनस टू आएगा ये भी माइनस टू आएगा और थ्री माइनस वन इक्वल टू टू आएगा तो दिख रहा है कि हर बार लेमडा माइनस वन क्या है टू से लेस है ओके okay, तो एक बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन बट आई बिलीव कि इस क्वेश्चन को आप ना करें तो बेहतर है काफ़ी सारा आपका समय ख़राब हो जाएगा वैसे भी मैट्रिक्स की प्रोसेस लेंदी हुआ करते हैं और मैट्रिक्स में थोड़ा सा भी एक भी माइनस साइन गड़बड़ हो गया तो टाँ टाएँ फिश गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा मामला इसलिए आई बिलीव कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो इतने लेंदी हो खासकर आप उनको ना छूए ठीक ना क्योंकि तो इसमें खो क्या रहा है केवल आपको केवल मेहनत करनी है ठीक है ना चलिए तो दोस्तों ये था आज का पहला पार्ट आई बिलीव आपको बहुत अच्छा लगा होगा बहुत मजा आया होगा आज के पार्ट में और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं आज इस पार्ट के और आगे आने वाली क्लासेस में मैं ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन सॉल्यूशंस आपके ले लाऊंगा आपका बहुमूल्य कीमती महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम शुभरात्रि